वेलकम बैक गाइस। तो पिछली वीडियो तक हमने देखा था कि डेटा में की इन्फॉर्मेशन क्या है, एनुअल न्यूज के प्लेस करनी है, और उसी के साथ साथ हमने कुछ ईडीए करके देखा था जो हमारे पास डेटा है उसका। इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्री प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। ओके, तो प्री प्रोसेसिंग के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले हमें चलाना है लेबल एनकोडर। जब हमने डेटा टाइप चेक किया था तो जिन जिन का डेटा टाइप ऑब्जेक्ट है तो उनको हमें नंबर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये जो वाला ऑब्जेक्ट है ब्लू कॉलर मैरिज या टर्शरी प्राइमरी सेलुलर, ये वाला डेटा मॉडल में नहीं आएगा, वहाँ पे चाहिए हमें नंबर। ओके, तो इसके लिए हम यूज करेंगे लेबल एनकोडर। ओके, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ लेबल एनकोडिंग। ओके, तो यहाँ पे मैं पहले डिफाइन करूँगा एनकोडर, तो मैं यहाँ लिख पे लिखता हूँ एनकोड इज इक्वल टू लेबल एनकोडर जो हमने शुरुआत में ही इंपोर्ट करके रखा है। तो हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया एनकोड। तो हमने देखा कि हमारे जो कॉलम्स है जॉब एजुकेशन मैरिटल स्टेटस, उनको हमें एनकोड करना है। तो हम एक एक के बाद एक सबको करेंगे। तो हम मैं लिखता हूँ सबसे पहले कि मुझे इंश्योर हमारा पहला डेटा फ्रेम है और मुझे वहाँ पे ही रिप्लेस करना है, इसलिए मैं वही नाम दे रहा हूँ। सो इंश्योर और जॉब का ही कॉलम मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। आप यहाँ पे अलग भी कॉलम बना सकते हैं, मतलब जॉब वन या जॉब टू या एनकोडेड जॉब, इस तरह से अलग कॉलम भी आप बना सकते हैं। लेकिन अगर अलग बनाएंगे तो हमें पहला वाला डिलीट करना पड़ेगा या फिर डेटा बिना वजह से बड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसी कॉलम में को रिप्लेस करेंगे। ओके, तो लिखता हूँ मैं यहाँ पे इंश्योर जॉब इज इक्वल टू एनकोड, मतलब लेबल एनकोडर यूज करो, पहले फिट करो और ट्रांसफॉर्म करो, मतलब कन्वर्ट करो। ओके, फिट करो मतलब कितने वेरिएबल्स है वो देखो, अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स है, कितनी कैटेगरीज है वो देखो फिट मतलब, और ट्रांसफॉर्म मतलब उन कैटेगरीज को नंबर्स में कन्वर्ट करो। ओके, सो फिट ट्रांसफॉर्म किसको करना है, तो इसी डेटा सेट में मतलब इंश्योर में ही कॉलम है जॉब, उसको आपको ट्रांसफॉर्म करना है। तो मैं इसे करूँगा रन। तो मैं इसी अभी यही लाइन हमें रिपीट करनी है, सिर्फ हमें क्या करना है, इस जॉब की जगह अलग अलग कॉलम्स लेने हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसी लाइन को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे से कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, उसके बाद एक मैं लाइन यहाँ पे ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कंट्रोल वी बहुत सारे बार मैंने पेस्ट करके लिया है। ओके, तो यहाँ पे फिर हम जाएंगे जो डेटा टाइप्स वाला हमारा या इन्फो वाला था डी टाइप्स वाला, तो हमने जॉब का किया है, तो हमारे पास और क्या है, मैरिटल एजुकेशन और उसके साथ साथ कम्युनिकेशन और लास्ट कॉन्टैक्ट मंथ, इतने सारे ऑब्जेक्ट वाले कॉलम्स है। तो अब हमारे पास है मैरिटल एजुकेशन, ये दो हम कॉपी करेंगे। सो इस कॉलम नेम से कॉपी करते हैं मैरिटल, कंट्रोल सी, फिर से आएंगे नीचे और यहाँ पे सिर्फ रिप्लेस हम कर रहे हैं। तो जो बेसिक है डेटा फ्रेम का नाम तो वैसा ही रहेगा, सिर्फ हमने क्या किया है यहाँ पे कॉलम नेम चेंज किया है, जॉब की जगह मैरिटल स्टेटस चाहिए। आप लेबल एनकोडर यूज करो, उसको फिट करो मतलब इसमें कितनी कैटेगरीज है वो देखो, और उसको ट्रांसफॉर्म करो, ट्रांसफॉर्म करो मतलब स्ट्रिंग से या लेटर्स से उसे नंबर में ट्रांसफॉर्म करो, और ये जो है ये सोर्स डेटा की इंश्योर में ही मैरिटल वाला स्टेटस से कॉलम है उसको आप चेंज करो। तो मैं यहाँ करूँगा रन। तो यहाँ पे हमने मैरिटल का भी कर दिया, उसके बाद हमारे पास कॉलम है एजुकेशन, तो मैं यहाँ से एजुकेशन को कॉपी करता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कंट्रोल वी और रन। उसके बाद एजुकेशन के बाद हमारे पास क्या था, कम्युनिकेशन, सो कंट्रोल सी से यहाँ से मैं कम्युनिकेशन कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे करूँगा कंट्रोल वी, यहाँ पे कंट्रोल वी और रन। और उसके बाद सिर्फ एक ही रहता है, तो हमने अब तक क्या किया है, जॉब को लेबल एनकोड किया है, मैरिटल स्टेटस को किया है, एजुकेशन को किया है और कम्युनिकेशन को किया है, और हमारे पास अब बाकी है सिर्फ लास्ट कॉन्टैक्ट मंथ। तो मैं ये यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ लास्ट कॉन्टैक्ट मंथ, सो कंट्रोल सी से कॉपी और यहाँ पे सिर्फ पेस्ट, कंट्रोल वी, और ये कॉलम अब हमें ये वाला सेल लास्ट वाला नहीं चाहिए। ओके, मैं डिलीट कर दिया, इधर इसे करते हैं रन, राइट। तो अब हमने सब को लेबल एनकोड किया है, फिर इसके करने के बाद हमें क्या करना होता है, हमें करना होता है कि ये लेबल एनकोडर एक्चुअल में हुआ है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या कौन सा वाला कमांड चलाएंगे, हम कमांड चलाएंगे इंश्योर
मतलब डेटा फ्रेम का नाम डॉट हेड, और अब इस टाइम लेंगे पहले 10 रोज। तो अब देखो जैसे मैं रन करता हूँ, यहाँ पे सब के सब क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यूज आ चुकी है, या अब कोई भी टेक्स्ट या स्ट्रिंग वाले वैल्यू नहीं है, सब के सब न्यूमेरिकल वैल्यूज आ चुकी है। ओके, तो उसके बाद हम प्री प्रोसेसिंग में और क्या करते हैं, उसके बाद हम चलाते हैं हीट मैप। सो उसके जरिए हम देखते हैं कि कौन सा वेरिएबल के साथ किस तरह का रिलेशन है। ओके, तो मैं यहाँ पे उसका टाइटल डाल देता हूँ हीट मैप, और उसके लिए कमांड होती है PLT, वो एक प्लॉट होता है, तो हम लिखेंगे PLT.figure, उसके देंगे फिग साइज इज इक्वल टू से 9.7, उसके बाद हम लिखेंगे SNS.heatmap, और हीट मैप के लिए हमें क्या करना है, तो इंश्योर नाम का जो डेटाबेस है उनका कोर बनाना है, मतलब इंश्योर नाम का जो डेटा सेट है उसमें जितने कॉलम्स है उस हर कॉलम का हर दूसरे कॉलम के साथ रिलेशन चेक करो, और उसके साथ साथ एनोट इज इक्वल टू ट्रू, मतलब जो रिलेशन है, जो रिलेशन वाली वैल्यू है वो वैल्यू भी प्रिंट करो, और PLT.show, मतलब जो प्लॉट है वो शो करो। सो हम कमांड रन करेंगे, और जैसे ही कमांड रन होगी, ये देखो हमें ये सब कुछ तो ग्राफ मिल गया, ये बहुत छोटा सा हो गया, तो हम इसे थोड़ा और बड़ा कर लेंगे, से हम लेंगे 14.11। सो हम फिर से रन करते हैं, तो ये देखो अब ये बड़ा वाला ग्राफ आ गया, मतलब हर कॉलम का हर कॉलम के साथ रिलेशन यहाँ पे हमें दिखाई देगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि कौन से कॉलम का किस कॉलम के साथ रिलेशन स्ट्रांग है, तो रिलेशन स्ट्रांग है मतलब कौन सा कॉलम किस कॉलम पे कितना डिपेंडेंट है, ये हम देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक रो भी चेक कर सकते हैं सिर्फ, कार इंश्योरेंस का एज के साथ कितना है, जॉब के साथ कितना है, मैरिटल स्टेटस के साथ, एजुकेशन, डिफॉल्ट या बैलेंस, इंश्योरेंस वाला, कार लोन, इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि डेज पास्ट और प्रीवियस अटेम्प्ट का रिलेशन जो है वो स्ट्रांग है, लेकिन वो सभी रिलेशन एकदम 0.15 ही है स्ट्रांग। ओके, एकदम स्ट्रांग ऐसा 0.5। अब देखो ये क्या है, प्रीवियस अटेम्प्ट और डेज पास्ट का रिलेशन एकदम स्ट्रांग है, मतलब पुराना वाला कितने डेज पास हुए और कितने अटेम्प्ट किए, अगर ज़्यादा दिन हुए हैं तो ज़्यादा अटेम्प्ट किए, ये इस तरह का रिलेशनशिप होता है। ओके, तो ये तो था हमारा हीट मैप। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, ये था हमारा प्री प्रोसेसिंग का पार्ट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।